प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में हमको एक और धन्य दिन दिया है, जब हम प्रभु के वचन को खोलकर प्रभु के वचन की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। ये एक बहुत धन्य बात है। देखिए, आज सारी दुनिया में लाखों लोग हैं जो संडे इवनिंग को जो फ्री टाइम मिला है उसको बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अनावश्यक बातचीत, पर निंदा और भी बहुत सारी। लेकिन इस तरह से समय बर्बाद करने के बदले आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए, जिससे कि प्रभु के भजन गा सकें और प्रभु के वचन को सुन सकें, उसके लिए मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ। जिन भाइयों ने गीत गाकर हमको प्रोत्साहित किया, उन सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम फिर से पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय को खोलेंगे। पिछले कई हफ्तों से हम पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का, पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन करते आए हैं। आप लोगों में से कुछ के पास ये छोटी पुस्तिका है, इसमें पेज 365, यहाँ सामने जो पुस्तक है इसमें से आप उठा सकते हैं। वो बच्चा वहाँ किसी से किताब मांग के यहाँ लाके मुझे दे गया था, पेज 365। इसमें दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 का हम अध्ययन कर चुके हैं। मैं उसको जरा पढ़ दूं। 15 से 17 में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। पिछले हफ्ते ये बात मैंने स्पष्टतया बताई थी कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसका क्या मतलब है। और मैंने ये बात भी याद दिलाई थी कि हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ये सारी बातें होती हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को शरीर की अभिलाषाओं में छोड़ दें, मन की अभिलाषाओं के हाथ में छोड़ दें, आंखों की अभिलाषा में छोड़ दें, जीविका के घमंड में छोड़ दें, तो उसका परिणाम यह होगा कि हमारा जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का जीवन तो एकदम बर्बाद हो जाएगा। वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम कौन हैं
और किस तरह की अभिलाषा के हाथ में हम अपने आप को दे रहे हैं। तो आज शाम को ये बात याद दिला के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी तरह की अभिलाषा के हाथ में सौंप ना दे। अभिलाषाएं तो हमारे जीवन में होंगी, उसको हम रोक नहीं सकते। उनमें से कुछ अभिलाषाएं अच्छी हैं, उनको रोकने की जरूरत नहीं है। मैं जब एक बच्चा था तब से मेरी इच्छा थी कि जितना अधिक पढ़ सकूं उतनी अधिक पढ़ाई करूं, ये मेरी अभिलाषा थी। ये शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा जीविका के घमंड में नहीं आता है, ये एक प्रकार की अभिलाषा है, लेकिन बेसिकली मन की इच्छा की कैटेगरी में आता है। और मैंने हमेशा यही काम किया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। आप लोगों को शायद ताज्जुब होगा कि नौकरी के साथ भी मैं पढ़ता चला गया। हाँ, थैंक यू थैंक यू, गर्मा गर्म पानी है। कफ की समस्या है, गले में कफ फंस जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गर्मा गर्म पानी मिल जाता है तो थोड़ा नीचे चला जाता है, बोलने में सहूलियत होती है। मैंने चौबीस साल की उम्र में नौकरी कर ली थी और 24 से करता ही चला गया था, लेकिन पढ़ाई उसके साथ साथ जारी रही और लगभग 45 साल की उम्र तक पढ़ाई करता रहा। लेकिन ये कोई गलत अभिलाषा नहीं, ये एक अच्छी इच्छा थी। क्यों? दूसरों की सेवा करने के लिए मैंने पढ़ाई की। इस तरह की जीवन में कई अभिलाषाएं होती है जिनके पीछे भागने में कोई गलती नहीं है। प्रभु का वचन यहाँ पर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन तीन शब्दों का उपयोग इस रीति से करता है कि जो उपयुक्त नहीं है उन उस प्रकार की अभिलाषाओं के पीछे हम ना भागें। 17वां पद आज के अध्ययन के लिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यहाँ दो बातें हम देखते हैं। नंबर एक, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमको बहुत स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु संसार में पधारे थे तब प्रभु ने बार बार ये बात याद दिलाई थी कि एक भविष्य आ रहा है जब प्रभु वापस आएंगे। आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु संसार में पधारे थे, 33.5 साल की उम्र में शिष्यों के देखा देखी प्रभु आसमान में चले गए। प्रभु जब एकदम से इस तरह से आसमान में उठा लिए गए तो सारे शिष्य मुंह बाए खड़े हुए थे। तब एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि देखो इस तरह से क्यों मुंह बाए खड़े हो, प्रभु को तुमने अपनी आंखों से आसमान में जाते देखा लेकिन ये अंत नहीं है, जिस तरह से प्रभु गए उसी तरह से वापस इस दुनिया में आएंगे। इस बात को प्रभु यीशु जब संसार में थे तब प्रभु ने बार बार दोहरा के इस बात को कहा था कि एक ऐसा भविष्य आने वाला है
जब आज जो कुछ है सब मिट जाएगा, एक नया संसार बनेगा और उस नए संसार में मैं राजाधिराज के रूप में राज्य करूंगा। प्रभु ने इसके लिए बहुत सारे चिन्ह बताए थे, जैसे भूकंप होंगे। हम जानते हैं कि पिछले 10-20 साल में ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कितने भयानक भूकंप आए। वो गुजरात में आज से कुछ साल पहले जो भूकंप आया था उसमें 5,000 के लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन भूकंप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है, सारी दुनिया में भूकंप आ रहे हैं। और यदि भूकंप का एक चार्ट बनाया जाए, आप सब लोगों ने स्कूल में ग्राफ और चार्ट बनाए होंगे, यदि पिछले 2000 साल का एक चार्ट बनाया जाए, मैंने तो बना के देखा है, आज से लगभग मेरा अनुमान है 20 साल के करीब पहले जब मैं इस विषय पर अंग्रेजी में संदेश दे रहा था तब मैंने बाकायदा चार्ट बनाया। प्रभु यीशु के समय यदि चार्ट यहाँ पर है तो उसमें जो ग्राफ है वो यों जाता है 20वीं शताब्दी में भूकंप इतने बढ़ गए हैं। प्रभु ने कहा था कि युद्ध होंगे। हम जानते हैं कि वो रशिया यूक्रेन पर उसने आक्रमण किया, 2 साल होने को आ रहे हैं और युद्ध कहीं खत्म होने का लक्षण नहीं दिखाई देता। आज से महीनों पहले वो इज़राइल पर हमास ने युद्ध कर दिया था, परिणाम क्या हुआ, 6 महीने या उससे ज्यादा हो गए युद्ध चल रहा है। इज़राइली सैनिकों ने 20,000 से ऊपर हमास के आर्मी को मार गिराया है। आपस में संधि की बात हो रही लेकिन हो न जाना कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा भूकंप बढ़ेंगे, बढ़ रहा है, युद्ध बढ़ेंगे, बढ़ रहा है। प्रभु ने कहा कि अकाल बढ़ेगा, आज सारी दुनिया में हर व्यक्ति को भरपेट खाना देने के लिए पर्याप्त उपज उपलब्ध है, अन्न भी उपलब्ध है, वेजिटेबल साग सब्जियां उपलब्ध हैं, फल उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सारी दुनिया में इस तरह के करोड़ों लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ दिन में एक बार खाना खा पाते हैं, दिन में सिर्फ एक बार। मेरा अपना प्रदेश चंबल, जिसके गांव-गांव में मैं जा चुका हूं, वहां पर मैंने देखा है कि भूख कितनी भयानक चीज है और लोग किस तरह से दाने दाने के लिए संघर्ष करते हैं। युद्ध बढ़ेंगे, भूकंप बढ़ेंगे, अकाल बढ़ेगा, परिवारों में आपस में जो स्नेह है वो टूट जाएगा। हम जानते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे परिवार टूटते जा रहे हैं। किसी जमाने में हिंदुस्तान में विवाह विच्छेद के बारे में हम सुनते भी नहीं थे और आज स्थिति यह है कि सरकार को हर जगह फैमिली कोर्ट बनाना पड़ रहा है, जहां जाकर लोग विवाह संबंधित समस्याओं के बारे में एक दूसरे पर केस कर सकते हैं और जहां विवाह विच्छेद के लिए भी केस कर सकते हैं। तो प्रभु ने जितनी बातें कही थी वे सब एक 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 करके हमारे सामने पूरी हो रही हैं।
इससे हमको क्या समझना चाहिए? हम में से हर व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्रभु दोबारा आने वाले हैं, जिसको अपन द्वितीय आगमन बोलते हैं। पहली बार जब आए थे प्रथम आगमन, द्वितीय आगमन। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रभु का द्वितीय आगमन हर दिन पास आता जा रहा है। कितना कितने पास आ गया ये हमको नहीं मालूम है। कब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जानते हैं कि प्रभु का द्वितीय आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने जो लक्षण बताए थे वो सारे लक्षण हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। जब प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन होगा तब क्या होगा वो मैं जल्दी से बता दूं, जिससे कि ये पद जो कहता है उसको हम समझ सकें। इस पद में जो पहला पोर्शन है वो हमने देखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। कैसे मिटेंगे? जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा था उस तरह से प्रभु का द्वितीय आगमन होगा। प्रभु का द्वितीय आगमन मध्य आकाश में होगा। प्रभु मदद करेंगे तो कल को इन चीजों का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ सारांश बताना चाहता हूं जिससे कि इस पद को हम समझ सके। प्रभु का द्वितीय आगमन मध्य आकाश में होगा। जब प्रभु मध्य आकाश में आ जाएंगे तब प्रभु के जो प्रधान दूत हैं वो तुरही फूकेंगे। पुराने जमाने से तुरही फूकना जो है वो महत्वपूर्ण बातों की सूचना देता है, और जैसे ही प्रभु मध्य आकाश में आएंगे तब मुक्ति या उद्धार पाए हुए जितने लोग गुजर गए हैं वे सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। पुनर्जीवित होने की एक विशेष बात यह है कि वे लोग एक नए शरीर में जन्म लेंगे। ये नश्वर शरीर है, लेकिन जब हम पुनर्जीवित हो जाएंगे तब एक अनश्वर शरीर के साथ हम पुनर्जीवित होंगे। उस तो जो शाश्वत जीवन पाने के बाद गुजर गए हैं वे नए शरीर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर जो लोग जीवित हैं, जिन्होंने शाश्वत जीवन पाया है, उनका रूपांतर हो जाएगा, और इस तरह से पुनर्जीवित लोग और रूपांतरित लोग सब एक साथ मध्य आकाश में प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। वहां पर हम सबका न्याय होगा, और जब वो न्याय समाप्त हो जाएगा तब जिस तरह से स्वर्गदूत ने कहा था कि जिस तरह से प्रभु गए थे उसी तरह से वापस आएंगे, प्रभु उसी स्थान पर वापस आएंगे। वापस आने के बाद सहस्त्र वर्ष का एक नया राज्य आरंभ होगा। वहां राजाधिराज के रूप में, वहां कोई इलेक्शन नहीं होगा, वहां कोई मनमाना राज्य नहीं करेगा। एक सहस्त्र वर्ष के लिए प्रभु यीशु राजाधिराज के रूप में राज्य करके आज तक मनुष्य की आंखों ने जितने राज्य देखे हैं, जितने सरकार देखे हैं, जितनी कोर्ट कचहरियां देखी है, उनकी तुलना में न्याय से भरा हुआ, धार्मिकता से भरा हुआ राज्य करेंगे। उस राज्य में सिर्फ वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु आएंगे, दोबारा आएंगे, हम सब मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। हम सबसे मेरा मतलब है जिन्होंने शाश्वत जीवन पाया है, वहां हमारा न्याय होगा। न्याय के बाद प्रभु हम सबको लेकर इस पृथ्वी पर
उतर आएंगे, 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेंगे जिसको सहस्त्र वर्ष राज्य कहा जाता है। उस राज्य में सिर्फ वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने शाश्वत जीवन पाया है। आप पूछेंगे सिर्फ हम लोग क्या? नहीं, जब हमारा न्याय वहां हो रहा होगा उस समय पृथ्वी पर जो लोग बचे हुए हैं उनके बीच में भी प्रभु यीशु का शुभ संदेश हर जगह सुनाया जाएगा। वहां लाखों और करोड़ों लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, शाश्वत जीवन पाएंगे। वे लोग इस सहस्त्र वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके अलावा किसी को भी सहस्त्र वर्ष के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह से प्रभु का सहस्त्र वर्ष राज्य आरंभ होगा सिर्फ धर्मी लोगों के साथ। हम लोग क्या करेंगे? भाई दुनिया चलनी है तो दुनिया के चलने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। हम लोग प्रभु यीशु के साथ सहस्त्र वर्ष राज्य करेंगे। इस युग के जो लोग हैं वे प्रभु के साथ सहस्त्र वर्ष राज्य करेंगे, जिससे कि राजाधिराज, पूर्ण धार्मिकता, पूर्ण न्याय, पूर्ण पवित्रता के साथ राज्य कर सके। जब हम उस राज्य में होंगे तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो हमारे जीवन में है वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम रूपांतरित शरीर में जी रहे हैं। तो जब यहाँ लिखा है कि जो संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाते हैं, संसार दो बार मिटेगा, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक, मेरा आपका जब न्याय हो जाएगा और जब प्रभु इस पृथ्वी पर उतर आएंगे तब संसार का रूपांतरण होगा। क्यों? वो जो सहस्त्र वर्ष का राज्य है उसमें सिर्फ वे ही लोग प्रवेश करेंगे जिन्होंने शाश्वत जीवन पाया है। जब हम प्रभु के साथ होंगे तब यहाँ पृथ्वी पर जिन्होंने शाश्वत जीवन पाया है सिर्फ वे ही लोग सहस्त्र वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये पहला रूपांतरण है। सहस्त्र वर्ष का राज्य, राजाधिराज राज्य कर रहे हैं, इसलिए न्याय ही न्याय होगा, धार्मिकता ही धार्मिकता होगी। जब यह सहस्त्र वर्ष समाप्त हो जाएगा उसके बाद रूपांतरण दो होगा। वो क्या होगा? प्रभु सबसे पहले तो सृष्टि के समय से, मनुष्य की सृष्टि से के समय से लेकर तब तक जितने लोग पैदा हुए हैं सबका न्याय करेंगे। जिन्होंने शाश्वत जीवन पा लिया है उनको अपने साथ रखेंगे, और जिन्होंने शाश्वत जीवन नहीं पाया है उनको सजा दी जाएगी, उनको नरक भेज दिया जाएगा। मनुष्य के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय नियुक्त है, उससे कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता। तो जब न्याय होगा, ये जो सहस्त्र वर्ष का राज्य है उसके बाद न्याय होगा, और जिन्होंने भी प्रभु के द्वारा शाश्वत जीवन पा लिया है इस न्याय के बाद वे प्रभु के साथ रहेंगे, लेकिन जिन्होंने शाश्वत जीवन नहीं पाया है उनको अनंत नरक में भेज दिया जाएगा। उसके बाद रूपांतरण दो होगा। वो क्या है? ये जो आसमान है, ये जो पृथ्वी है, ये बदल जाएंगे। प्रभु ने सहस्त्रों वर्ष पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, उस आसमान और पृथ्वी को प्रभु पूरी तरह से बदल देंगे, जिसके बारे में प्रभु के वचन में कहा गया है नया आकाश और नई पृथ्वी। ये नया आकाश और नई पृथ्वी बिल्कुल अलग होगी। आज पृथ्वी पर
अंधेरे में हम कहीं जाते हैं पैदल तो सांप बिच्छुओं का डर रहता है, रोशनी में कहीं जाते हैं तो कांटे कांच आदि का डर रहता है। ये जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, यहां पर इस तरह का कोई डर नहीं होगा। अंधेरा ही नहीं होगा तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से हर जगह सांप बिच्छू का डर है, कांटे आदि का डर है, टूटे हुए कांच कहीं पड़े हुए पैर में ना पैर को काट ना दे, ये सारे डर दूर हो जाएंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, उसके साथ साथ हमारे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ना केवल हम लोगों का, जितने लोग अनंत काल में प्रवेश करेंगे उन सब का, उनके सबके जीवन में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड सदा सर्वदा के लिए दूर होगा। यह है पवित्र बाइबल के द्वारा कहा गया शाश्वत काल। शाश्वत जीवन अलग है, शाश्वत काल अलग है। हम उस शाश्वत काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज जितने भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जीवन सिर्फ ऐसा चलता नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु ने हमारे लिए एक भविष्य तय किया है, और जो भविष्य प्रभु ने हमारे लिए तय किया है वो प्रभु ने अपने वचन में स्पष्टतया बताया है, और प्रभु ने मदद की तो इन सब विषयों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनके बारे में जानना हम सबके लिए जरूरी है। आज प्रभु के वचन से इन बातों को बताने के बदले मैंने उसका सारांश बता दिया, जिससे कि हम जान सकें कि हमारा भविष्य तय है, हमारा भविष्य निश्चित है। उस भविष्य में क्या होगा इसको जाने, और तब हम इस बात को पहचान सकेंगे, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। कैसे मिटेंगे, कब मिटेंगे, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। उसी पद के दूसरे पोर्शन में हम पढ़ते हैं 17वां पद, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलने का मतलब क्या है भाई? प्रभु की इच्छा है कि संसार में जिसने भी जन्म लिया वो शाश्वत जीवन पाए। मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। न्याय के साथ किस व्यक्ति को शाश्वत जीवन मिल रहा है और किस व्यक्ति को शाश्वत मरण मिल रहा है, यह स्पष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो बना रहेगा का मतलब है शाश्वत जीवन पाएगा। कैसे पाएगा? शाश्वत जीवन पाने का तरीका प्रभु के वचन में स्पष्टतया बताया गया है। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब प्रभु ने स्पष्टतया कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको शाश्वत जीवन दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यह है प्रभु की इच्छा। तो हम में से जो प्रभु की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार प्रभु से वरदान के रूप में शाश्वत जीवन पा लेता है वो सर्वदा बना रहेगा। उसका मतलब है कि शाश्वत जीवन उसका है। शाश्वत का क्या मतलब है? सर्वदा, वो सर्वदा बना रहेगा। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। लेकिन एक बात, इस पुलपिट को छोड़ जाने से पहले एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यदि ऐसा कोई भाई है या यदि ऐसी कोई बहन है इस सभा में जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को नहीं पाया है, तो जिसने शाश्वत जीवन नहीं पाया शाश्वत मरण का भागी होगा। प्रभु करे कि आपके जीवन में ऐसा ना हो। इसलिए आज
प्रभु ने जो अवसर दिया है इसका उपयोग कीजिए, शाश्वत जीवन पा लीजिए। आप में से यदि कोई इस विषय के बारे में विस्तार से जानना चाहता है, इस सभा के बाद मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। आज इस तरह से प्रभु ने हमारी जो मदद की उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।